पूरा देश स्वाधीनता दिवस मना रहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बंगाल में जो कुछ भी घटित हुआ हिंदू भाई बहनों के साथ, उसके विरोध में आज जयपुर के रामलीला मैदान में विशाल तिरंगा रैली निकाली जा रही है और बांग्लादेश में बसे हिंदुओं के अत्याचार के खिलाफ ये रैली निकाली जा रही है। पूरा संत समाज एकजुट हुआ है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। महाराज जी, बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं के खिलाफ हुआ, आज उसके अगेंस्ट में ये पूरी रैली निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हिंदुओं का समय है और अभी जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को बुझे सो हरि का होई। अभी जाति पाति का विषय नहीं है, हमें जिन्होंने बांटा है उनको हम करारा जवाब देंगे, क्योंकि हम एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। सनातन कभी नहीं तो बटा था और नहीं बटेगा। ये लोग सनातन को खत्म करने में लगे हुए हैं, पर इनको पता नहीं कि हम सनातन हैं। सनातन का मतलब है कि सदियों पुराना है, हमें कोई मिटा नहीं पाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ बांग्लादेशियों, अभी भी सुधर जाओ, बांग्लादेश की सरकारें सुधर जाओ। हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो हिंदू वहाँ का तख्तापलट फिर से कर देंगे और एक अलग बांग्लादेश को काटकर एक अलग राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। बिल्कुल, आपने जिस प्रकार से देखा है, उन्होंने कहा कि एक अलग हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा, अगर हिंदुओं को भटकाया जाएगा, उन्हें परेशान किया जाएगा। हवा महल से विधायक और स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, हिंदुओं के खिलाफ जो बांग्लादेश में अत्याचार हुआ, उसके अगेंस्ट में आज यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरा संत समाज इकट्ठा हुआ है, क्या मांग इस मंच से उठ रही है? आप देखें, हजारों की संख्या में आज सनातनी, एक हाथ में ध्वज है, एक हाथ में तिरंगा है, यानी भगवान भी साथ है और तिरंगा भी है, और ये संदेश दे रहा है कि भारत के समस्त सनातनी, बांग्लादेश के और पूरी दुनिया में रहने वाले सब सनातनियों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उनके मठ मंदिर आश्रमों की मांग कर रहे हैं, और जिनकी जो मदर लैंड रही है उनको वहीं पर सुरक्षा मुहैया कराए, और कोई भाई बहन वहां से आना भी चाहें तो उनको सरकार या व्यवस्थित सुरक्षित भारत देश में उनको आने की व्यवस्था करे। इसी के लिए आज सारे संत समाज हैं, सर्व हिंदू समाज हैं और सारे सनातनी एक साथ हजारों की संख्या में उपस्थित हैं। महाराज जी, जो आंदोलन अब बांग्लादेश में भी उठ खड़ा हुआ है हिंदुओं की, सनातनियों की रक्षा के लिए, वही आप कई सालों से राजधानी जयपुर में और पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं, क्या कहें? पूरे भारत में आक्रोश है, पूरे भारत में सनातनी इकट्ठे हैं और पूरी दुनिया के सनातनी सामूहिक रूप से, जितने भी सनातन की संस्थाएं हैं, इसी प्रकार से आक्रोशित हैं और सभी क्षेत्र हमारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्रियों को, सबको ज्ञापन दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ सनातनी रह रहे हैं, अल्पसंख्यक रह रहे हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए। राजधानी जयपुर के रामलीला मैदान में हम खड़े हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ, उसके लिए आज पूरे देश में आवाज़ उठी है। जयपुर सांसद मंजू शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज बड़ी संख्या में हिंदू और सनातनी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बांग्लादेश में जो अत्याचार हुआ हिंदुओं के खिलाफ, उसके लिए क्या कहें? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी, जिस तरीके का बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, अत्य निंदनीय, अशोभनीय, दुर्ग में कुछ शब्द नहीं है उसकी निंदा करने के लिए, लेकिन ये सब जो हम सारे हिंदू जो सनातनी इकट्ठे हुए हैं, इसका यही संदेश है कि दुनिया में कहीं भी अगर हिंदुओं पे आंच आएगी तो हिंदू सनातन ऐसे ही सड़कों पर आएगा। पूरा देश कल 78वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है, उसके लिए तिरंगा रैली पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही है। आप लोगों ने भी कल यहाँ से तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर रही थी, क्या? बिल्कुल, ये तिरंगे का जो महत्व है, जो बताना कि आज हमको कितनी मुश्किल से स्वतंत्रता मिली है, हमारा जो 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संकल्प था 3 साल पहले से उन्होंने शुरू किया कि हर व्यक्ति को तिरंगा फहराने का अधिकार है, हर घर पे तिरंगा फहरना चाहिए। और आपकी चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि समय से झंडा फहरा करके और शाम को उसको व्यवस्थित उतार के भी रखना चाहिए। तिरंगे का नाम लेते ही और तिरंगा हाथ में लेते ही, तिरंगे का नाम सुनते ही एक जो देश के प्रति जो राष्ट्रभक्ति जो जागती है, वो एक अविस्मरणीय पल होता है उस समय का। और जिस झंडे के कारण ये जो आज़ादी आई है, बहुत मुश्किल से मिली है,
कितने ही लोगों का बलिदान हुआ है तब जाके हमको ये तिरंगा झंडा फहराने को मिलता है, तो इसका बहुत महत्व है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का ये था कि हर व्यक्ति को, हर आने वाली पीढ़ी को भी इसका महत्व पता लगे, और इसीलिए पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहती हूँ, हर घर पर तिरंगा फैलाकर harghartiranga.com पे उसका सेल्फी भी डालें। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया जा रहा है, वो हर घर तिरंगा ज़रूर फहराना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, उसके लिए आज जयपुर के रामलीला मैदान में तमाम हिंदू समाज, तमाम सनातनी समाज ये इकट्ठा हुआ है, उसके लिए आवाज़ यहाँ से उठ रही है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो आवाज़ उठी है, उस आवाज़ में यही कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी, न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि जहाँ पर भी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होगा, ऐसे ही आवाज़ तमाम सनातनी समाज की तरफ से उठेगी और उनके लिए न्याय की मांग की जाएगी। सर, जो आज यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है, जो भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है और हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहाँ बांग्लादेश नहीं, पूरे विश्व में हम सब हिंदू एक हैं। अगर इस तरह का कोई भी कहीं अत्याचार होगा, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपने पाकिस्तान गाल देखा है, वो ही हाल बांग्लादेश का होने वाला है। इसलिए हम उनको चेता रहे हैं, भाई ध्यान रखें, किसी हिंदू पे किसी तरह का अत्याचार हुआ तो पूरे भारतवर्ष के नहीं, पूरे विश्व के हिंदू एक साथ हैं और ज़बरदस्त का विरोध करेंगे। आपने देखा, ये थे सरदार अजय पाल सिंह जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जहां पर भी पूरे भारत में जहां पर हिंदुओं के खिलाफ अगर अत्याचार होगा, तो संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण सनातनी समाज एक है, और विश्व में कहीं पर भी अगर इस प्रकार की घटना होगी, तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं ये रैला, ये हुजूम जो रामलीला मैदान में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, बांग्लादेश में जो अत्याचार हुआ है, उसके लिए यहाँ से आवाज़ उठाई जा रही है कि कहीं पर भी हिंदू समाज या फिर सनातनी समाज के खिलाफ अगर कुछ भी आचरण होगा, तो पूरा हिंदू समाज एक है, पूरा सनातनी समाज एक है। और शायद यही आवाज़ इस रामलीला मैदान से उठाई जा रही है, और एक विशाल रैली के रूप में अब यहाँ से एक यात्रा यहाँ पर निकल रही है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी इस रैली में शामिल हैं, और ये रैली ये संदेश लेके जा रही है कि न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी अत्याचार होगा, तो उसके लिए संपूर्ण सनातनी समाज एक है, एक था और एक रहेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।